Hello everyone. In this video, we are about Elizabeth, who is an Victorian female writer who is referred mostly as Mrs. Goskell. So let's start. Elizabeth Goskell. Elizabeth Goskell, 29 September 1810 to 12 November 1865. तो इनका बर्थ हुआ था 29 सितंबर 1810 को और इनकी डेथ हुई थी 12 नवंबर 1865. और इनका टाइम ऑफ पीरियड हम बोल सकते हैं 1810 से लेकर 1865 तक. ऑफन रेफर टू एज मिसिज गॉस्किल. तो इनको ज़्यादातर रेफर किया जाता है एज मिसिज गॉस्किल. शी वॉज एन इंग्लिश नावलिस्ट, बायोग्राफर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. तो ये इंग्लिश नावल्स लिखती थी, इंग्लिश में बायोग्राफीज लिखती थी, बायोग्राफर हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं ये. हर नावल्स ऑफर अ डिटेल्ड पोर्ट्रेट ऑफ द लाइव्स ऑफ मैन स्ट्रेट्रा ऑफ अ विक्टोरियन सोसाइटी इंक्लूडिंग द वेरी पुअर एंड आर ऑफ इंटरेस्ट टू सोशल हिस्टोरियंस एज वेल एज द रीडर्स ऑफ लिटरेचर. तो इनके नॉवेल्स में हमें डिटेल में पूरा पोर्ट्रेट मिलता है, पूरा हमें व्यू मिलता है उस विक्टोरियन सोसाइटी के अलग अलग स्ट्रेटरा का, अलग अलग लेवल्स का. जैसे हमें पुअर्स की भी पूरी पोर्ट्रेट मिलती है और आर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सोशल हिस्टोरियन एज वेल एज द रीडर ऑफ लिटरेचर. ये इनके जो वर्क है हिस्टोरियंस के लिए भी और रीडर्स ऑफ लिटरेचर के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट करती हैं, डिटेल से पोर्ट्रेट करती हैं अपने वर्क्स में. मिसिज गॉस्किल आज नॉवल एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म. तो इनका मानना था, ये बोलती थी, ये जो नॉवल है इसको हम सोशल रिफॉर्म के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं. तो अगर हमने सोशल में एक सोसाइटी में रिफॉर्म लेके आना है तो नॉवल एक इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं. हर फर्स्ट नावल मार्क बार्टन इज रिमार्केबल फॉर पैशनेट सिंपथी फॉर द डाउनट्रोडन. तो इनका जो सबसे फर्स्ट नावल था उसका नेम था मार्क बार्टन, जो एक रिमार्केबल वर्क है जिसमें इन्होंने पैशनेट सिंपथी दिखाई है जो डाउनट्रोडन और दबे कुचले लोग होते हैं विक्टोरियन सोसाइटी के उस कंटेम्प्रेरी इनके टाइम पे, जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए इन्होंने सिंपथी शो की है मिसिज गॉस्किल ने अपने वर्क नॉवल मार्क बार्टन में. नॉर्थ एंड साउथ इज़ अ बेटर कंस्ट्रक्टेड नॉवल. तो नॉर्थ एंड साउथ भी इनका एक बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड नॉवल है. इट इज़ ऑल्सो अ सोशियोलॉजिकल नॉवल. तो ये एक सोशियोलॉजिकल नॉवल भी बोल सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ नॉवल को, जो मिसिज गॉस्किल और एलिजाबेथ गॉस्किल ने लिखा है. हर नेक्स्ट नावल साइलेवियाज लवर इज अ मोर रियलिस्टिक लव स्टोरी इन अ डोमेस्टिक सेटिंग, वाइज एंड डॉटर्स हर लास्ट अनफिनिश्ड नावल. तो ये इनका अनफिनिश्ड नावल था, उसका नावल का नेम है साइलेवियाज लवर, जो एक मॉरलिस्टिक लव स्टोरी थी जिसमें सेटिंग एक डोमेस्टिक आम सी एक सेटिंग रखी गई है जिसमें वाइज एंड डॉटर्स होती हैं. मगर ये जो नावल है ये अनफिनिश्ड है और लास्ट नावल है. मिसिज गॉस्किल्स मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क इज़ द क्रैमफोर्ड. तो इनका मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क है क्रैमफोर्ड. इट इज़ लेस नावल दैन अ सीरीज ऑफ अ पेपर इन द मैनर ऑफ द स्पेक्टेटर. तो ये नावल कम है, इट इज़ अ लेस नावल. तो ये नावल कम है दैन अ सीरीज ऑफ पेपर इन द मैनर ऑफ स्पेक्टेटर. स्पेक्टेटर जैसे, स्पेक्टेटर मीन्स देखने वाले, स्पेक्टेटर मीन्स जैसे ऑडियंस है, वो उनको एक सीरीज ऑफ पेपर में ये पब्लिश करवाते थे इसको, क्रैमफोर्ड को. इट इज़ अ रिमार्केबल फॉर लाइट जेंटल ह्यूमरस फॉर्म. तो ये लाइट होते थे, जेंटल ह्यूमरस फॉर्म होती थी इनकी, मजाकिया मूड में लिखते थे ये, फॉर्म में होते थे. एंड द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड मैनर.
तो ये रियलिस्टिक पिक्चर रिप्रेजेंट करती थी, पिक्चर शो करती थी अपने इस वर्क में, इन पेपर्स में, कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड मैनर्स की। मिसिस गॉस्किल वॉज अ पायनियर ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी नॉवल। तो ये साइकोलॉजी यानी कि मनोवैज्ञानिक नॉवल लिखने में एक माहिर थी ये। रैनफोर्ड इज अ फाइन स्टडी ऑफ अ फीमेल लाइफ एंड साइकोलॉजी। रैनफोर्ड जो इनका वर्क है ये एक वेरी फाइन स्टडी शो की है, इन्होंने फीमेल की लाइफ के एंड साइकोलॉजी को इनमें रिप्रेजेंट किया है इन्होंने अपने वर्क रैनफोर्ड में। ओके, हर फर्स्ट नावल हमने डिस्कस किया ही है, इनके फर्स्ट नावल का नेम है मैरी बार्टन, जो पब्लिश हुआ था 1848 में। देन गॉस्किल्स थियोफ लाइफ ऑफ अ चार्ल्स ब्रॉन्टे पब्लिश्ड इन 1857 वाज द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ ब्रॉन्टे। तो इन्होंने ब्रॉन्टे की जो चार्ल्स ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं उनमें से सबसे जो चार्ल्स ब्रॉन्टे थे उन पर पे इन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है, द लाइफ ऑफ द चार्ल्स ब्रॉन्टे। तो 1857 में जो इन्होंने पब्लिश करवाई थी ये वेरी फाइन बायोग्राफी है। इन दिस बायोग्राफी शी रोट ओनली ऑफ द मॉरल सोफिस्टिकेट थिंग्स इन ब्रॉन्टेस लाइफ। तो इस बायोग्राफी में उन्होंने जो चार्ल्स ब्रॉन्टे थी उनकी जो मॉरल और सोफिस्टिकेट थिंग्स थी उनकी लाइफ में वो रिप्रेजेंट की हैं, वो रोट की हैं। अमंग गॉस्किल्स बेस्ट नॉन नावल्स आर क्रैनफोर्ड, जो सबसे बेस्ट नॉन नावल्स हैं उनमें है क्रैनफोर्ड जो 1851 से लेकर 53 में आया, नॉर्थ एंड साउथ 1854 से लेकर 55 में, एंड वाइज एंड द डॉटर जो एक अनफिनिश्ड वर्क है 1865 में, ईच हैविंग बीन अडेप्ट फॉर टेलीविजन बाय द BBC। तो ये जो सभी नावल हैं जो बेस्ट नॉन नावल्स है, क्रैनफोर्ड हो गया, नॉर्थ एंड साउथ एंड वाइज एंड डॉटर, ये सभी टेलीविजन के लिए BBC ने टेलीविजन के प्रोग्राम के लिए अडेप्ट किए हैं ये वर्क। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नाइस वर्क है, तभी तो इन्होंने टेलीविजन के लिए अडेप्ट किए हैं BBC ने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन और क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन कमेंट।